मुंबई हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार सहे। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बम ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था, और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। I have been shot. हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं। अभी उनका वक्त आया नहीं, जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। '93 में एक टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा। मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली, उसका क्या? रुक जा! शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्योरी शायद सही है, लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। सूर्या, वो लोग कब आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। क्या करे सर, शिवगढ़ चले? ये काम एक ही कमी ना कर सकता है। इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए। जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखाऊंगा मेड इन इंडिया। अक्का, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है, और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी सूर्यवंशी। आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान।